तो भाई दीक्षा भूमि आना मतलब एक गौरवान्वित करने वाला एक फीलिंग होती है अपने लिए, है ना। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे धर्मांतरण धर्मांतरण प्लस यहाँ पे उनका स्थल भी है। अंदर जाने की इजाजत इसको नहीं भाई, भंडारा का सफ़र तय हो गया है। और क्या बताऊँ, स्टोरी कुछ अलग ही है, बाद में बताऊँगा एंड में। तो ये ब्लॉग के एंड में ये सारी जो स्टोरीज हैं वो मैं बताऊँगा, इस बीच क्या हुआ। वैसे अभी कंटिन्यूअसली देखो और मज़े लो, ठीक है। ओके, बाय बाय दोस्तों। अभी अपन नागपुर आ चुके हैं। नागपुर में हमारे मित्र हैं निखिल भाई, और हमारी पुरानी दोस्ती है, और अभी मुलाकात हो गई हमारी। अभी हम दीक्षा भूमि की ओर जा रहे हैं। यहाँ से करीबन 3.5 किलोमीटर की दूरी में है, तो हमारी ट्रेन थोड़ी लेट है, आधा घंटा करीब, और वो 1:30 बजे की है, तो हम उतने समय में बुक के आ जाएंगे। तो ये है मेरा दोस्त, काफ़ी बहुत समय बाद मिल रहे हैं और बताऊँगा मैं आगे वीडियो में हमारी थोड़ी सी हमारी मुलाकात कैसे हुई, और हमने 1 महीना साथ में रहा है। तो अभी हम निकल रहे हैं। परिषद ये सामने की ओर जाएगा, और इधर माउंट रोड, इसको माउंट रोड कहते हैं, दिखा जाए जो है लिबर्टी चौक ये वाला जाएगा। तो ये है भाई लिबर्टी चौक, यहाँ से जाएगा आकाशवाणी चौक सीधा, आकाशवाणी चौक सामने सामने। अपन अभी सीधा जाने वाले हैं। नहीं, ये ट्रॉली की टपरी सामने दिख रही है, बहुत फेमस है बता रहे हैं भाई, पर तो उतना समय नहीं है अगर हम रुकते फिर। दोस्तों तो अभी अपन दीक्षा भूमि आ चुके हैं। आपको सामने में दिख रहा होगा ये अम्बेडकर लॉ कॉलेज है, यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ये रहा, हम थर्ड दरवाजे से आए हैं, थर्ड है फोर्थ है, फोर्थ दरवाजे से आए हैं बैक साइड से। और अभी हम दीक्षा भूमि एंट्री हो रहे हैं, और तो मेरे साथ में यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पे मेरे साथ है निखिल, और निखिल जय भीम, जय भीम। तो हमारी दोस्ती है और हम कई बार मिल चुके हैं, और आज हमने प्लान बनाया कि यहाँ दीक्षा भूमि को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे दीक्षा भूमि में काम चल रहा है, देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का, पेंटिंग का काम है एक्चुअल में, तो ये देख रहे हो अपन अभी राउंड लगा रहे हैं। पर अभी लॉकडाउन के वजह से यहाँ पे पूरी तरह से मैनेजमेंट थोड़ी सी गड़बड़ा गई है, अभी सारी चीज़ें होनी हैं, तो आने वाले अक्टूबर तक सभी हो जाएगा ना, और पूरा चकाचक पहले जैसे था वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। आप देख पाते हैं यहाँ से लाइन, श्रद्धालु सभी यहाँ से एंट्री होते हैं। दीक्षा भूमि
आना मतलब एक गौरवान्वित करने वाला एक फीलिंग होती है अपने लिए, है ना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का यहाँ पे धर्मांतरण प्लस यहाँ पे उनका स्थल भी है। और तो ये है दीक्षा भूमि, और दीक्षा भूमि के अंदर आ चुके हैं हम लोग, मैं मेरा दोस्त, और यहाँ पे सामने में आपको देखने को मिल रहा है उसका मॉडल, पूरा दीक्षा भूमि का मॉडल है और स्टैचू भी है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लिए यहाँ पे बाबा साहेब की लाइफ हिस्ट्री, बर्थ ले लेकर डेथ तक उन्होंने क्या क्या किया, वो पूरे फोटोज के माध्यम से एक्सप्लेन है यहाँ पे। हम दीक्षा भूमि के परिसर में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एंट्री लेवल है, यहाँ से अपन अंदर गए घूमे फिरे और यहाँ पे अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा, और मेरे साथ मेरा भाई है तो वो बताएगा कि यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानता है। वैसे मैं भी आया हूँ तो पीपल वृक्ष के बारे में, यहाँ पे बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं हम लोग, बाबा साहब ने लगवाया था, और अभी देखो कितना बड़ा हो गया है और बढ़िया से संरक्षित है, बहुत सारे चिड़िया और जीव जंतु वहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं। और ये बोधि वृक्ष है, ऐतिहासिक बोधि वृक्ष, और मैं भाई से सुनूंगा कुछ चीज़ें ताकि मैं ये मोमेंट जो है कैप्चर कर पाऊँ, है ना। और मैं नागपुर का रहवासी हूँ, मैं दीक्षा भूमि के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आपको, ठीक है। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा, बर्डी से जस्ट 2 या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में दीक्षा भूमि आती है, ठीक है, और मेन स्टेशन से कम 3-4 किलोमीटर होता है मैक्सिमम अगर घूम फिर के आओगे तो, ठीक है। ये एंट्री गेट है, एंट्री गेट दिख रहा है, ये एंट्री गेट होते हुए, ठीक है, मैंने कहा एंट्री लेते हुए आपको दिखाई देगा ऐतिहासिक बुद्ध वृक्ष राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा दिए थे लाखों लोगों को, लाखों अनुयायियों को, ठीक है। यहाँ पे 14 अक्टूबर में लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु और जो अम्बेडकराइट हैं, जो बुद्धिज़्म को अपनाते हैं, वो आते हैं यहाँ पे और उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा पंडाल होता है जहाँ पे दीक्षा का समारोह होता है, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आते हैं और यहाँ पे धम्म दीक्षा का प्रोग्राम होता है, लोग अपनी जाति को छोड़ करके ऊपर उठते हैं और बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करते हैं, बुद्धिज़्म को एम्बरेज करते हैं। तो ये चीज़ें इस परिसर में ये सारी चीज़ें आयोजित की जाती हैं, हम इन्हें संरक्षित रखते हैं, संरक्षण करने का काम करते हैं क्योंकि हम बाबा साहेब को मानते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नौबुद्धा। यहाँ से हम निकलेंगे अभी और आगे सफ़र में आपको दिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें, तो धन्यवाद, जय भीम। भाई ट्रेन आने ही वाली है, 1 किलोमीटर दूर है वो, मेरे को ट्रेन दिख गई और भाई है मेरे को छोड़ने आया है ताकि आज कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू भाई। और जल्दी ट्रेन, अपन को S6 में जाना है तो S6 चलते हैं। भाई मुझे छोड़ आया था और अभी जा रहा है, चल रहा है ये भी, ठीक है, अच्छे से आना तू भी, ठीक है, ओके, बाय बाय। भाई ट्रेन शुरू हो गई है और अभी नागपुर से निकल रहे हैं, बाय बाय नागपुर। दोस्तों नागपुर से अब निकल रहे हैं चेन्नई की ओर, और हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है करीबन 17।
रही है यार, लंच शांति बैठी है, खा लेते हैं क्योंकि खाना खाने के बाद सोना है मुझे, बड़ी लंबी दूरी जाना है इसलिए।